बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोराडी और खापरखेड़ा बिजली संयंत्रों के आसपास वायु और जल प्रदूषण पर गहन मंत्रणा की, तो एक बार फिर लोगों को राहत की उम्मीदें बढ़ गई। उन्होंने अधिकारियों की मुश्किलें कसी तो परिसर में उनकी बिलबिलाहट देखी जाने लगी, बैठकों का दौर शुरू होने लगा। अधिकारी अपने पाले की गेंद किसी और के पाले में डालने की तरकीब में लगे हैं। बहरहाल स्थिति विकट है और इसकी सूद लेना जायज भी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोराडी और खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। सतही और भूजल में पारा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, लिथियम आदि धातु पाए गए और फ्लाई ऐश के चलते हवा, पानी और मिट्टी, सभी जगह बड़े पैमाने पर प्रदूषण का स्तर दर्ज किया जा रहा है। इन दोनों पावर प्लांट से निकली राख में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, मैंगनीज, पारा, सेलेनियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, जस्ता, फ्लोराइड और तेल तथा ग्रीस के प्रदूषण पाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हवा में उड़ने वाली राखड़ के कण सांस के साथ तुरंत हमारे फेफड़ों में घुस जाते हैं। एक तरफ ये पार्टिकुलेट मैटर के रूप में समस्या पैदा करते हैं, तो दूसरी तरफ इसमें मौजूद भारी धातु सीधे हमारे फेफड़ों में घुसने के कारण ज्यादा बुरा असर डालते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्लांट के प्रदूषण के कारण शहर और आसपास के गांवों के लोग भारी धातु युक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने 2400 मेगावाट के कोराडी और 1340 मेगावाट के खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्र के आसपास के इलाकों में भारी प्रदूषण फैला हुआ है। हर मौसम में लिए गए पानी के नमूने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा पीने के पानी में धातु की स्वीकार्य सीमा पर खरे नहीं उतरे हैं। अध्ययन के अनुसार खतरनाक प्रदूषण को रोकना जरूरी है। अभी तक पावर प्लांट से हवा में फैलने वाले प्रदूषण की ओर कुछ ध्यान जरूर दिया गया, मगर उसे पानी में फैलने वाले प्रदूषण को लेकर कोई विस्तृत अध्ययन उपलब्ध नहीं था। अब इस पर अध्ययन किया जा रहा है। कोराडी और खापरखेड़ा बिजली संयंत्र आसपास के किस गांव को प्रदूषित कर रहे हैं? गांव के किसान आए दिन नई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्लांट के 6 किलोमीटर के आसपास फैले गांव सबसे अधिक प्रदूषण के शिकार हैं। यहां तक कि गांव के लोग खेती नहीं कर पा रहे, मजबूरन उन्हें ईंट भट्टा का व्यवसाय अपनाना पड़ रहा है। लगभग हर तीसरे घर का व्यक्ति त्वचा संबंधी बीमारी, सांस लेने की समस्या, किडनी स्टोन और आंखों में जलन जैसी समस्या से परेशान है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के 60% किसानों को पुश्तैनी खेती छोड़कर ईंटा भट्टा का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले 6 वर्षों में गांव के मवेशियों की संख्या भी कम हुई है। जहां पहले लगभग 900 मवेशी गांव में थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर 200 हो गई है। हाल ही में सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नागपुर मंथन अध्ययन केंद्र पुणे और असर संस्था ने वहां के आसपास के गांव का सर्वे किया था। अध्ययन में पाया गया कि 2 थर्मल पावर प्लांटों ने सतह के पानी और भूजल को खतरनाक धातुओं से दूषित कर दिया है, जबकि इनके फ्लाई ऐश ने हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर दिया है। जांच के लिए 25 जगहों के नमूने लिए गए। 21 गांव में गांव के स्तर पर विस्तृत सर्वेक्षण भी किया गया और उतने ही एकल परिवारों और किसानों का भी सर्वेक्षण किया गया। पावर प्लांट के नजदीक शहर के आसपास बसे वार्डों के लोगों से भी चर्चा कर जानकारी एकत्रित की गई। अध्ययन में प्रत्यक्ष रूप से 6 ऐसे स्थान नजर आए जिसे पता चला कि थर्मल पावर स्टेशन और उनके राखड़ तालाब से निकलने वाला अपशिष्ट कोलार और कन्हान सहित नदी नालों में प्रवाहित किया जा रहा है। पीने के पानी की एटीएम स्वचालित मशीन के नमूनों को छोड़कर मानसून सहित सभी मौसम में लिए पानी के सारे नमूने भारत मानक संस्थान द्वारा तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरे। पानी के अनेक नमूनों में पारा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, लिथियम आदि धातु के जहरीले तत्व सुरक्षित सीमा से 10 से 15 गुना अधिक पाए गए।
गांव वालों का कहना है कि हर तीसरा व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। किसी को त्वचा की बीमारी हो गई है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ ही किडनी स्टोन की समस्या भी बहुत सारे लोगों में है। आंखों में जलन की शिकायत से लोग जूझ रहे हैं। गांव को स्वच्छ और शुद्ध पानी मिले इसके लिए वाटर एटीएम लगाए गए हैं। 5 रुपए में 20 लीटर पानी मिलता है। दुख की बात तो ये है कि गांव में नदी होने के बाद भी गांव के रहवासियों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। नदियों में इतनी राख जमा होती है कि उसका पानी पीने लायक नहीं होता। मजबूरन पानी खरीद कर पीना पड़ता है। जो खरीद नहीं पाते वो प्रदूषित जल पीने को मजबूर हैं। जहां पहले खेत खलियान हरे भरे नजर आते थे, अब तो चारों तरफ बंजर ही बंजर नजर आने लगा है। घर से बाहर निकलते ही शरीर पर राख जम जाती है। फ्लाई ऐश के कारण वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कपास का खेत सफेद में काला नजर आने लगता है। पत्तियों के ऊपर ऐश की मोटी परत होती है। इस क्षेत्र में कोयला खदानें, मैंगनीज खदानें, ईंट भट्टे आदि उद्योग हैं, लेकिन बिजली संयंत्र प्रदूषण का प्रमुख कारण है। गांव के आसपास की सभी जल धाराएं और कुएं फ्लाई ऐश से प्रभावित हो चुके हैं। त्वचा संबंधी परेशानी से हर व्यक्ति जूझ रहा है। जहां पहले सोयाबीन, कपास, गेहूं तथा सब्जियां उगती थी, असर ऐसा पड़ा है कि खेती का व्यवसाय शून्य पर आ गया है। निसंदेह लगातार बढ़ रहा वायु और जल प्रदूषण कुछ सालों से गंभीर समस्याओं में से एक बन गया है। जहरीली हवा न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और पर्यावरण के लिए चिंता का सबब है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। इससे विकास में बाधा उत्पन्न होती है और लोक कल्याण भी प्रभावित होता है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बढ़ती आबादी जैसे विभिन्न कारणों से वायु की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ी है। सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई नीतियां बनाई हैं और नियामक एजेंसियां और अन्य संस्थानों का गठन भी किया है, लेकिन यह नाकाफी है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए बेहतर और ज्यादा प्रभावी तरीके अपनाने होंगे। चूंकि वायु प्रदूषण स्पष्ट रूप से एक व्यापक समस्या है जो कुछ एक शहरों, राज्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ मामलों में उसका प्रभाव देशों की सीमाओं के पार भी दिखाई देता है। इसीलिए हम एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले एयर शेड में सिर्फ शहरी कार्य योजनाओं के जरिए कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी नहीं ला सकते। हर राज्य को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वयं आगे आना होगा और इसके लिए समन्वय के लिए नए तंत्रों का निर्माण करना होगा, जहां संवाद की संभावना सुनिश्चित की जा सके। इसकी सहायता से विभिन्न विभागों को अपनी कार्य योजनाओं को समन्वित करना और उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर श्रेणीगत करना आसान होगा। इसके लिए नए राज्य प्राधिकरणों की स्थापना की जा सकती है, जिनका अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक हो, और इसके साथ ही एक नियामक संस्था की स्थापना की आवश्यकता है, जहां विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की व्यवस्था हो। जीवन में जो जहर घुल चुका है और जो निरंतर घुल रहा है, उसका निदान आसान नहीं। वायु को प्रदूषित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं: अचल दहन, चलायमान दहन और औद्योगिक अपशिष्ट। अचल दहन के तहत जब कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्मी ईंधन जलते हैं, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं और वातावरण में मौजूद जलीय कणों के साथ मिलकर गंधकीय तेजाब, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जैसी आदि का निर्माण करती है और अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आकर अपने घातक प्रभाव डालती है। इन घातक प्रभावों में मुख्य रूप से पौधों की बढ़वार प्रभावित होना, मृदा के प्रभावित होना आदि शामिल है। इन सब के अलावा भी इन गैसों के कुप्रभाव को देखने में आते हैं। यहाँ इसकी आशंका और बढ़ गई है। चलायमान दहन के तहत स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, हवाई जहाज, रेल आदि परिवहन के समस्त साधनों से निकलने वाले
धुएं से वातावरण में जहर घुलता है। इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। औद्योगिक कारखानों में रासायनिक प्रक्रियाओं से होने वाले उत्पादन, उद्योगों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि विषैली गैसों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित कचरे से पर्यावरण बेहद प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के लिए हमारी छोटी बड़ी सभी लापरवाहियां उत्तरदायी हैं। इनमें मशीनों का असहनीय शोर शराबा, डायनामाइट विस्फोट, गोला बारूद का प्रयोग, हथियारों व बमों का परीक्षण, वाहनों का भारी शोर, लाउडस्पीकर्स आदि सब चीजें जिम्मेदार हैं। मनुष्य और प्रकृति का संबंध उतना ही पुराना है जितना धरती पर मनुष्य का अस्तित्व। मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति का अस्तित्व मनुष्य के बिना भी संभव है, लेकिन प्रकृति के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बावजूद इसके प्रकृति को नष्ट करने, उसका अथाह दोहन करने और उस पर विजय पाने के मानवीय प्रयास सदियों से निरंतर जारी है। इसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की समस्या हमारी आवश्यकताओं का भार वहन करने में धरती और उसके पर्यावरण का को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके चलते ही पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याएं विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। हमें जितने प्रयास करने चाहिए उसका आधा भी हम नहीं कर रहे। कहना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण के प्रति गंभीर ही नहीं हैं। समय अभी शेष है। पीढ़ियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। इसीलिए आइए मिलकर सभी इस प्रदूषण को रोकें। निजी हित समाज को लिए घातक हो सकते हैं। सरकार कदम बढ़ा रही है तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसके साथ कदमातल करें, खुद बचें और आने वाली पीढ़ी को बचाएं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।